मेरी माँ ऐसी, मेरे बाप ऐसे बात करती है ना, चैलेंज कर रहा हूं। अगर रसूल पाक की ये तीन बेटियां हैं तो इन तीन बेटियों से कोई एक हदीस छोटी बात नहीं है, चैलेंज करके कह रहा हूं, किसी सुन्नी किताब में, किसी शिया किताब में। अब इस तकरीर को सुन के कोई जरा किताब चा लिख दे उनके नाम से झूठी रिवायत तो और बात है, लेकिन चैलेंज कर रहा हूं बुजुर्ग हजरात से दुआ लेने के लिए कि कोई एक सिंगल वन हदीस, कोई एक हदीस वो जो बयान की जाती है ज़ैनब, उम्मे कुलसुम और रुकैया, जो उनकी जनाबे खदीजा की बहन की बेटियां थी, उनसे अगर कोई एक हदीस ये बता दें कि रसूल पाक मस्वाक ऐसे फरमाते थे, बुर्श ऐसे करते थे, घर से बाहर निकलते थे तो कौन सा कदम बाहर रखते थे, घर में आते थे तो कौन सा कदम रखते थे, घर में जब बैठते थे तो हमारी माँ जनाबे खदीजा से कौन कौन सी वही की बातें किया करते थे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और कीजिएगा, कोई एक हदीस किसी सुन्नी किताब में, चैलेंज है, किसी शिया किताब में, किसी भी ईसाई किताब में, किसी यहूदी किताब में, किसी घिसी पिटी किताब में, किसी जलीली किताब में दिखा दे, किसी किताब में दिखा दे एक हदीस सिंगल वन कि ज़ैनब ने जो नाम नेहाद बयान करते हैं, जो नाम इतना अच्छा है, जो उम्मे कुलसुम और रुकैया बयान करते हैं, उन्होंने रसूल पाक से कोई बात सुन के अपने शौहर को या अपने किसी कराबतदारों में किसी को या किसी से बयान की हो, सहाबा में से किसी से बयान की हो कि ऐसे ऐसे रसूल पाक ने फरमाया, कोई एक हदीस भी नहीं मिलेगी। तो बेटी तो बाप की बात ज्यादा करती है, ये कैसी बेटियां हैं जो बाप की कोई बात कैसे निकल रही है। बेटी होंगी तो नकल करेंगी ना, बेटी होंगी तो रसूल पाक की बात को नकल करेंगी ना, वरना आ जाइए फिक्कु ज़हरा के नाम से आयतुल्ला सिस्तानी की किताब है, जिसकी 17 जिल्दें तो छप चुकी हैं, जिसमें कोई एक हदीस भी किसी गैर और जनाबे ज़हरा के अलावा किसी और मासूम से भी नहीं है, यानी उसमें एक हदीस भी मौला अली से नहीं है, मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं है, किसी और इमाम से नहीं है, बीबी ने बाबा से सुन के बयान की और किताब में नकल हो गई। इसका मतलब है कि यहां तो 17 जिल्दों में हदीस मौजूद है कि हमारे बाबा किस अंदाज से जिंदगी गुजारा करते थे, बाबा क्या क्या बयान फरमाया करते थे, वो सब जनाबे ज़हरा से नकल है, और जनाबे ज़हरा ने जो अहादीस बयान की है, बीसियों तो आप सुनते हैं, हदीसे किताब सुनते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से बयान फरमाई, पर्दे के आलम में बयान फरमाई या नहीं फरमाई, सैकड़ों रिवायात है। तो देखिए जो बेटी है वो बाबा की बात नकल करती है, जो बेटियां हैं ही नहीं तो कहां से नकल करेंगी। ये बहुत भारी दलील है कि कोई बेटी जनाबे ज़हरा के अलावा नहीं थी। अगर आमादा है तो एक और भारी दलील याद आ रही है, 17 दलीलों में से शायद 3 या 4 मैं दे सकूं, आपकी बात को कल इंशाल्लाह बयान कर देंगे, और अगर कल आने की नियत कर लेंगे मजलिस में तो अकीदा है मेरा, अगर आपने आज मजलिस में नियत कर ली कि या ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा हम कल मजलिस में आएंगे, तो बीबी आपको कम से कम कल तक की जिंदगी जरूर अता फरमाएगी। अब जुमला तो मैंने कह दिया कि बीबी अता कर देंगी कल तक की जिंदगी, हो सकता है बहुत सारे लोग अंदर से परेशान हो रहे हों, ये भाई बीबी कैसे अता कर देंगी, तो आयत नहीं पढ़ी आपने जो मैं पढ़ रहा हूं, इन्ना नहनु नुहयील मौता, हम मुर्दों को जिंदगी अता कर देंगे। फिर दोहरा रहा हूं मैं, अब इस तरफ वाले खामोश हो गए, हम मुर्दों को जिंदगी अता करेंगे, हम मुर्दों को जिंदगी अता करेंगे, आयत में नहनों का लफ्ज है,
और अरबी में नहनो इस्तेमाल होता है तीन या तीन से ज्यादा बार। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हस्तियां ऐसी होनी चाहिए जिनका जिंदा करना उसका जिंदा करना करार पाए। बच्चों की हौसला अफजाई किया करें, इसलिए कि बच्चों के दिल टूटते हैं तो मौलवी को बद्दुआ मिलती है। मेरा तजुर्बा है, मैं छोटा सा था ही नहीं बच्चों जितना जिसने ये नारा लगाया, तो इसी से इनसे मजलिस पढ़ता हूँ, तो मौलवी बाद में बना, मजलिस पहले से पढ़ता हूँ। तो वहाँ खैरपुर में एक जगह मजलिस पढ़ने हम गए, तो हमें उन्होंने कहा था भी तुम पढ़ोगे, छोटे से थे इस बच्चे से, तो अचानक एक मौलाना साहब आ गए वहां जो बुजुर्ग थे जाहिर है, तो बानी ने कहा भाई तुम रहने दो ये पढ़ेंगे। मुझे याद है जो मैंने उन्हें बद्दुआएं दी कि ये मुझे मजलिस पढ़नी थी और ये आ गए। तो बच्चे जब नारा लगाएं या दुरूद पढ़वाएं तो इनकी हौसला अफजाई करें, वरना ये मुझे बद्दुआ देंगे। एक भारी दलील देना चाह रहा हूँ, है आधे पौन घंटे की, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो जाए तो कोई नाराज ना होइएगा। और वो ये कि आप सब जानते हैं कि उस बात का भी जवाब आ जाएगा जो ये कह रहे हैं कि साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे बेटे दे सकते हैं। तो उन्होंने एक ईमेल निकाली पिछले सालों में यहां के साथ, राहिब तो शादी नहीं करते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको बेटे कैसे दे दिए तो शादी नहीं करते। यानी देखिए तौहीन के कैसे कैसे दुश्मनी अहले बैत में सवालात कायम कर रहे हैं कि राहिब शादी नहीं करते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको बेटे कैसे दे दिए, बगैर शादी के बेटे कैसे दे सकते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो मैं उनकी बारगाह में मैंने अर्ज किया कि देखिए जब दुश्मनी अहले बैत दिमाग पे चढ़ जाए तो हिजियान हो जाए। जब दुश्मनी अहले बैत आ जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से कोई टारगेट मिल जाए, तो फिर क्या होता है कि हिजियान हो जाता है। आप ये कह रहे हैं शिया होकर कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो कैसे दे सकते हैं बेटे, पहले तो रिवायत पे एतराज कर रहे थे, जब हमने कहा कि आप रिवायत को आप छोड़िए, आप ये बताइए दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अगर नहीं दे सकते तो हम आपसे आपका अकीदा करिए तो हमें आपसे सवाल बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे नजदीक आप तालिबान है, हमारे नजदीक आप सिपाह साहब हैं, हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि हाँ दे सकते हैं, लेकिन अब दूसरा एतराज कर दिया, दे तो सकते हैं लेकिन राहिब को कैसे दे सकते, इसलिए कि वो तो शादी नहीं करते। क्या कह रहे हैं, वो तो शादी नहीं करते, कैसे बेटे दे दिए। तो अब जुमला कह रहा हूं मैं, अगर आपने तवज्जो फरमाई तो दुआ देंगे। और वो ये उन साहब को पता है कि राहिब शादी नहीं करते, अल्लाह को पता नहीं है कि राहिब शादी नहीं करते, ठीक है तीन चार तो पहुंच गए, अल्लाह को पता नहीं है कि राहिब शादी नहीं करते। रसूल पाक जो नसारा नजरान से बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे, वो राहिब तो थे तीनों के तीनों, जिनसे रसूल ये फरमा रहे थे 23 ज़िलहज को शाम के टाइम अल्लाह के हुक्म से फकुल तालो न दो अबना न दो अबना तो मौला हुसैन बेटे नहीं दे सकते क्योंकि राहिब तो शादी नहीं करते। अल्लाह जो फरमा रहा है सूर आया मुबाहला में, ए मेरे हबीब आप इन राहिबों से कह दो, क्या कह दो, इन राहिबों से कह दो फकुल तालो न दो अबना न वाबना कुम, तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाते हैं।
तो अगर राहिब शादी नहीं करते तो बेटे कहां से लाएंगे? अल्लाह को पता नहीं? अगर राहिब शादी नहीं करते तो अल्लाह कैसे फरमा रहा है कि भाई तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, फकुल तालों ना दो अपने आना वापस ना कुमार निसान ना वाले साथ, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, वान फुजा ना वान फुजा कुम, तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं, और क्या करेंगे फिर? रुजू करेंगे अल्लाह की तरफ, वान फुजा ना वान फुजा कुम, सुम्मा नब तहिल फन्नाज अल्लाह ना तल्लाह अलल काज़िबीन। इसमें एक राज की बात आ रही है, अगर आमाद है बिस्मिल्लाह लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, अलल मुनाफिकीन क्यों नहीं कहा, अलल काफिरीन क्यों नहीं कहा, अलल 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 क्यों अल्लाह ने काज़िबीन का लफ्ज कहा? इसलिए कि आयत के आखिर में है कि काज़िबों पर लानत होगी, तो इसका मतलब है जो लानत करने आएंगे वो सादिकीन होंगे। काज़िबों पर लानत है ना। अच्छा टीवी पे ये भी बैठ के कहते रहते हैं मौलवी कि सब लानत किसी पे नहीं भेजनी चाहिए। भाई अल्लाह लानत भेज रहा है, लानत किसी पे नहीं भेजनी चाहिए, अल्लाह लानत भेज रहा है कि काज़िबों पर लानत होगी, जो झूठे होंगे उन पे लानत होगी। इसलिए कि अरबी का एक उसूल है कि हर चीज को उसकी जिद से पहचाना जाता है। दिन की अजमत का तब पता चलेगा जब रात आएगी। अगर हमेशा दिन ही दिन हो तो फिर दिन की अजमत का नहीं पता चलेगा, जब अंधेरा आएगा तो पता चलेगा कि दिन की क्या हैसियत है। नूर की अजमत का तब पता चलता है जब जुल्मत सामने आए, करार की अजमत का तब पता चलता है जब कोई फरार हो जाए।